हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और मैं आप सभी के लिए ऑटोमोटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज भी बात करने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर एक और न्यू एसयूवी आने वाली है जिसका नाम हमें फिस्कर ओशन एसयूवी के नाम से देखने को मिलने वाली है। और जो फिस्कर ब्रांड है उसने कन्फर्म कर दिया है कि वो जल्दी अपनी फिस्कर ओशन इलेक्ट्रिक एसयूवी है वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है। और फ्रेंड, ये जो एसयूवी है वो एक प्योर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। और फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ फिस्कर के ओशन ई इलेक्ट्रिक एसयूवी है। फ्रेंड, इसके ड्राइव रेंज, प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशन और काफ़ी सारे ऐसे यूनिक फीचर्स के बारे में जो आपने अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक कार में देखने को नहीं मिला है इंडिया के अंदर, ऐसे जो फीचर्स है वो हमें इस कार के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस कार के अंदर और भी क्या नया देखने को मिलता है। और फ्रेंड, अगर मैं फिस्कर इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये कार हमें इंडिया के अंदर 30 लाख रुपीज एक्सोरूम प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड, अगर मैं इसका ड्राइव रेंज के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये जो कार है वो हमें सिंगल चार्ज के अंदर 40 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ देखने को मिलती है। मतलब अगर हम इस कार को एक बार चार्ज करते हो तो फ्रेंड, हमें सिंगल चार्ज के अंदर 480 किलोमीटर तक ले जा सकती है। और फ्रेंड, इस कार के अंदर हमें मिलने वाली है 80 किलोवाट की बैटरी जिसके अंदर हमें जो 0 से 100 है वो ओनली हमें 3 सेकंड में ही जो कार है वो ले जा सकती है। और फिर जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है वो हमें ऑल व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव इन दोनों ऑप्शन में हमें जो कार है वो देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। और फिर जो फिस्कर की जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है फ्रेंड, इसके अंदर हमें कैलिफोर्निया मोड देखने को मिलता है। मतलब फ्रेंड, जो कैलिफोर्निया मोड है फ्रेंड, इसके अंदर हमें सिंगल बटन प्रेस करने से जो कार की 9 विंडोज है वो सारी की सारी विंडोज जो है अप एंड डाउन कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रेंड, आप इन सिंगल बटन से आप रियर विंड स्क्रीन सनरूफ और जो कार के सारे विंडोज है वो आप एक सिंगल बटन से ही जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। और अब मैं बात करने वाला इस कार के इंटीरियर फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड, इसके इंटीरियर में हमें वेरी क्लीन डैशबोर्ड डिजाइन देखने को मिलती है जिसके अंदर हमें और इसके सेंटर में हमें लार्ज टच इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलता है। और फ्रेंड, जो इसका स्टेयरिंग व्हील है फ्रेंड, उसके पीछे भी हमें जो है वो एक स्मॉल स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, फिलहाल तो इस कार के बारे में इतनी डिटेल्स लिखा हुआ थी जो मैंने आपको बताया। और भी फ्रेंड, इस कार के बारे में कुछ नई डिटेल्स या फिर इसके लॉन्च डेट के बारे में कुछ नई डिटेल्स आती है तो फ्रेंड, जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।